हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावे स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसका बारे में उसके तीन प्रकार होते हैं। उसका पहला टाइप आप लोगों ने सीखा था। इसके तीन टाइप होते हैं, नाउन क्लास, नॉमिनेटिव एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तीन टाइप्स होते हैं, जिसमें आप नाउन क्लास पढ़ चुके हैं, दूसरा आज है एडजेक्टिव क्लास। आइए देखते हैं एडजेक्टिव क्लास के बारे में, क्या होता है एडजेक्टिव क्लास और कहां पर इसका प्रयोग होता है, कहां पर इसको जोड़ने का हम लोग काम करते हैं। एडजेक्टिव क्लास को विशेषण उपवाक्य भी बोला जाता है हिंदी में, और ये एडजेक्टिव क्लास के कुछ वर्ड हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। वी, हु, विच, व्हाट, व्हेन, दैट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, इन शब्दों के माध्यम से उन उपवाक्यों का जोड़ने का काम किया जाता है। तो आइए इसके सबसे पहले रूल के बारे में। जब भी हु का प्रयोग होता है नॉमिनेटिव केस में, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है और हुज का प्रयोग पोसेसिव केस में किया जाता है। जैसे यह वही लड़का है, यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जो कल यहाँ आया था। इसमें दो उपवाक्य हैं और दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया गया है हु के माध्यम से। जैसे द, यह वही लड़का है, तो दिस इज द मैन, मैन है, लड़का नहीं है, सॉरी, यहाँ पर व्यक्ति है। अगर लड़का होता तो बॉय का प्रयोग होता। यह वही व्यक्ति है जो कल यहाँ आया था। दिस इज द मैन हु केम हेयर स्टरडे, यह वही लड़के हैं जिनकी पुस्तकें खो गई थी। तो देयर आर द बॉयज हुज बुक्स वेयर लास्ट। तो हुज का प्रयोग पोसेसिव में होता है और हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। यह वही लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। तो दिस इज द गर्ल हुम एवरीबडी लाइक्स। दूसरा रूल, जब सच होता है, जब सच शब्द से जोड़ा जाए तो सच के बाद एज का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ऐसे लड़कों से दूर रहने का प्रयास करो, ऐसे लड़कों से दूर रहने का प्रयत्न करो जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड सच बॉयज एज। तो जब भी सच का प्रयोग किया जाए और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद एज का प्रयोग करते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट दियर टाइम। तो सच के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद एज का प्रयोग करते हैं। यदि निर्जीव वस्तु हो तो उनके साथ दैट शब्द से जोड़ा जाता है दोनों उपवाक्यों को। जैसे क्या यह वही चित्र है जो तुमने कल खरीदा था। तो इज दिस पिक्चर दैट यू बॉट एवरीडे है। यहाँ पर क्या यह वही चित्र है जो तुमने कल खरीदा था। इज दिस पिक्चर दैट यू बॉट स्टर्डे, या विच का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं और पशु पक्षियों के लिए भी करते हैं। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुएं और पशु पक्षियों के लिए भी किया जाता है। जैसे यह वही चिड़िया है जिन्हें राजू चुगाता था। तो देयर वाज द बर्ड विच राजू फीड्स। वही मछली जो हमिद ने पकड़ी थी बड़ी हो थी। द फिश विच हमिद कट वाज वेरी बिग।
तो यहाँ पर विच के माध्यम से दोनों निर्जीव वस्तु हो चाहे सजीव वस्तु हो, या यहाँ पर पशु पक्षी को दर्शाया गया है, पशु पक्षी का यहाँ पर वर्णन है, तो उन सबको जो है विच शब्द से जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी पशु पक्षी जानवर या निर्जीव वस्तु हो तो दोनों वाक्यों का जोड़ने का काम विच से किया जाता है। वल अगला है इसी सेंस में, वह लड़का जो कल यहाँ आया था मेरे मित्र का पुत्र था। तो द बॉय हु केम हेयर स्टडे इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर हु शब्द से जोड़ा गया है जो नोमिनेटिव केस में आता है। जो सत्य बोलता है उसे सब प्यार करते हैं, एवरीबडी लव द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ। जो सत्य बोलता है उसे सब प्यार करते हैं, या यहाँ पर यह भी हो सकता है जो लड़का सत्य बोलता है उसे सब प्यार करते हैं, एवरीबडी लव द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, जो उपवाक्य होते हैं जोड़ने का। एक बार फिर से इसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव केस या एडजेक्टिव क्लास जो होता है उसको हम जोड़ने का, जब क्या इसका काम किया जाता है दोनों उपवाक्यों को एडजेक्टिव क्लास से, तो हु विच ऐसे शब्द से जोड़ा जाता है, और ये दोनों उपवाक्यों का जोड़ने का काम इन्हीं शब्दों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का प्रयोग पोसेसिव केस में किया जाता है। यह वही व्यक्ति है जो कल यहाँ आया था, दिस इज द मैन हु केम हेयर स्टरडे, या यह वही लड़के हैं जिनकी पुस्तकें खो गई थी, देयर आर द बॉयज हु बुक्स वेयर लास्ट। तो इस प्रकार से इनको यह ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस में जोड़ने का काम किया गया है। सच के बाद एज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, जैसे ट्राई टू अवॉइड सच बॉय एज वेस्ट देयर टाइम। निर्जीव वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ए दिस पिक्चर दैट यू बॉट स्टरडे, या विच का प्रयोग हम पशु पक्षियों या निर्जीव वस्तुओं के साथ भी करते हैं, यह वही चिड़िया है जिन्हें राजू चुगाता था, देयर वॉज द बर्ड विच राजू फीड, वही मछली है जो हमें ने पकड़ी थी बहुत बड़ी थी, द फिश विच हमें कट वॉज वेरी बिग। या इसी सेंस में, यानी कि हु के सेंस में जब हु के से जोड़ा जाए तो इसमें इस प्रकार के भी वाक्य आते हैं, वह लड़का जो कल यहाँ आया था मेरे मित्र का पुत्र था, इस प्रकार का भी वाक्य आता है, तो इसमें हु का भी प्रयोग हु शब्द से जोड़ा जाता है। तो द बॉय हु केम हेयर स्टडे इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। जो सत्य बोलता है उसे सब प्यार करते हैं, या जो लड़का सत्य बोलता है उसे सभी प्यार करते हैं, एवरीबडी लव द बॉय हु स्पीक द ट्रुथ। तो इसमें जो है इन दोनों क्लाज को एडजेक्टिव क्लाज के रूप में है, और एडजेक्टिव क्लाज के जो वर्ड्स हैं हु विच व्हाट हु, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो ये थे आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग एडवर्ब ऑफ क्लाज के बारे में जानेंगे, यानी कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्लाज क्या होता है, उसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।